सो गाइज वेलकम टू न्यू वीडियो। ये एक सफायर का ग्राफिक कार्ड है, नो डिस्प्ले कंडीशन पर है। फ़ैन थोड़ा सा जुगाड़ू टाइप करके लगाया हुआ है कस्टमर का, तो देखते हैं इसको किस तरह से हम सॉल्व कर पाते हैं और क्या इशू हो रहा है एग्जैक्टली। अभी जो कंडीशन है करेंटली ये नो डिस्प्ले कंडीशन पर है और कार्ड में जो है डस्ट वगैरह ज़्यादा कुछ है नहीं, खोल के ही लग रहा है। फिर भी मैं एक बार साफ़ करूँगा, साफ़ करके एक एक सेक्शन वाइज चेक करूँगा हर कॉयल में कि शॉर्टिंग वगैरह है कि नहीं है। अगर आपको लैपटॉप डेस्कटॉप या ग्राफिक कार्ड का रिपेयर करना है तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों का व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है। हम लोग ऑल ओवर इंडिया से कुरियर के थ्रू कार्ड मंगवा के काम करते हैं। सारा कॉयल्स को देखने के बाद मुझे एक चीज़ यहाँ पे नोटिस हुआ, इसका जो PWM IC है जो इसका कोर का सप्लाई जनरेट करता है VRM के लिए, वो वाला IC जो है वो पूरी तरह से जो है ये हो चुका है, ड्राई आउट हो चुका है। तो उसको हम रिप्लेस करेंगे या फिर उसको एक बार अच्छे से क्लीन करके लगा के देखेंगे कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले उसको रिप्लेस करते हैं। ये जो IC है इसमें दिक्कत है और जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर था हमने वो एरिया जो है अच्छे से एक बार क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद मैं इसको निकाल के दूसरा डाल दूंगा। वीडियो को थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ से रिप्लेस करके IC को रिप्लेस करके देखेंगे कि डिस्प्ले आता है कि नहीं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो है इसको हीट दे के इस IC को निकाल के यहाँ पर दूसरा IC को रिप्लेस कर देता हूँ और उसके बाद देखता हूँ। और देखिए इसको जो है मैंने सक्सेसफुली रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद जो है इसको साफ़ किया, साफ़ करके इसको लगा के देखूंगा कि डिस्प्ले आता है कि नहीं। अगर डिस्प्ले आ जाता है तो वेल एंड गुड, देखते हैं क्या कंडीशन है। अभी मैं मदरबोर्ड में इसको लगाता हूँ, मदरबोर्ड में लगाने के बाद पता चलेगा कि क्या सक्सेसफुली सॉल्व हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो इसको मदरबोर्ड में मैं इंस्टॉल करूँगा, इंस्टॉल करके देखूँगा कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। अगर डिस्प्ले आ जाता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो दोबारा मुझे चेक करना पड़ेगा। लगता है कि डिस्प्ले आ जाना चाहिए इस हिसाब से। तो कार्ड को मैं थोड़ा सा ठंडा किया, ठंडा करके जो है यहाँ पे लगा के एक बार चेक करूँगा कि अभी क्या रिस्पांस कार्ड में से आ रहा है। अगर रिस्पांस सक्सेसफुली आ जाएगा तो हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या कुछ हो पाता है कार्ड को लेके। मैंने डिबग कार्ड को भी लगा लिया, इसको ऑन किया और ऑन करने के बाद देख सकते हैं डिबग कार्ड का जो लाइट है वो बराबर ग्लो कर रहा है, कोड भी चेंज हो रहा है और डिस्प्ले भी आ चुका है। ये देखिए केबल जो है यहाँ से कनेक्टेड है। तो